हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब? आज हमने बनाए हैं महाराष्ट्रीयन स्टाइल में वड़ा पाव। बहुत ही टेम्पटिंग बने हैं आपको, जैसे कि यहाँ दिखाई दे रहे हैं। सचमुच ऐसे लग रहा है कि अभी हम इसको खा लें फटाफट से। बहुत ही टेस्टी बने हैं, बहुत ही सिंपल रेसिपी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी, महाराष्ट्रीयन स्टाइल में वड़ा पाव। सबसे पहले हम ले रहे हैं एक बाउल और उसमें हम डाल रहे हैं 1 कटोरी बेसन। अब हम इसमें डाल रहे हैं थोड़ा सा नमक, साथ ही डालेंगे थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला। क्वांटिटी सबकी हमने कम कम रखी है, चुटकी भर डाल रही हूँ इसमें मैं हल्दी पाउडर। अच्छे से पहले इनको हम ड्राई मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए एक गाढ़ा घोल बनाएंगे। तो ये बैटर इतना होना चाहिए कि रिबन कंसिस्टेंसी का चाहिए, बहुत पतला नहीं हमने इसको करना है। तो मैं आपको नज़दीक से दिखा देती हूँ कि ये देखिए घोल बनकर तैयार है और बस इतना हमें गाढ़ा चाहिए। तो चलिए अब हम इसको साइड कर देते हैं, ढककर रख दिया हमने। हमने ले लिए 5 बड़े साइज के पोटैटो और इनको बॉयल करके मैंने पहले ही रखा हुआ था, ठंडा कर लिया था, और हमने इनको मैश कर देना है। तो आप चाहें तो मैशर से इसको मैश कर लीजिए, हाथ से मैश कर लीजिए, बस इसको हमने मैश करके साइड करना है। अब हमने गैस पर रख दिया एक पैन, गैस ऑन है, और इसमें डाल रहे हैं हम थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल। जैसे ही गर्म होते हैं अब हम इसमें डाल देंगे मस्टर्ड सीड, और साथ ही डाल रही हूँ मैं इसमें हींग चुटकी भर और 2 कटी हुई हरी मिर्च। अच्छे से थोड़ा टॉस कर लेंगे और अब इसमें डाल देंगे करी पत्ता। अच्छे से मिक्स कर लेंगे सारी चीज़ें। अब हम इसमें डालेंगे चुटकी भर हल्दी, बहुत ज़्यादा नहीं डालनी है, थोड़ा थोड़ा ही डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, और अब हम इसमें डाल रहे हैं नमक। तो अच्छे से इसको कर लेंगे मिक्स। अब हम इसमें डाल रहे हैं मैश करे हुए पटैटो। ये पटैटो हमने इसमें अच्छे से मसाला लगा देना है सारा, स्पैचुला की सहायता से या आप करछी जो भी यूज़ करें, और इसको 2-3 मिनट तक हमने अच्छे से पकाना है ताकि इसमें ज़रा सा भी मसालों का कच्चापन ना रहे, आलू भी कच्चे ना रहे। तो ये लीजिए आलू बन करके जो हमारा मसाला है तैयार हो गया है। इसको निकालेंगे एक बाउल में और ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब हम वापस से गैस पर फिर से रखेंगे पैन और उसमें डालेंगे थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल। इसमें डाल रहे हैं हम 15-20 लहसुन की कलियां। ये हम बना रहे हैं चटनी, जो हमारे को मेन चटनी चाहिए लहसुन की चटनी। और इसको मैं बता देती हूँ आपको, जब हमने लहसुन डाला है इसमें, मैंने साथ में ही डाल दी है मूंगफली की गिरी बिना छिलके वाली, इसको भी साथ में ही डालना है। मैं शूट करना भूल गई थी, साथ ही मैंने इसमें डाल दिया था थोड़ा सा तिल साबुत और 5-6 लाल मिर्च जो आप देख रहे हैं, और इसमें डाला मैंने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, और ये डाला मैंने इसमें धनिया पाउडर। तो मैं बता देती हूँ आपको कि वो सारी चीज़ें जब मैंने डाली तो मैं वीडियो शूट करना भूल गई थी, और अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर बारीक पाउडर के रूप में नारियल। तो यहाँ पे मैंने 2 चम्मच बारीक पाउडर किया हुआ नारियल डाला, जिसको मैंने घर पे ही सूखे नारियल को मिक्सी में ग्राइंड करके पाउडर बनाया था। अब थोड़ा सा डाला इसमें नमक। तो कई बार हो जाता है, मैं ऑनेस्टली आपको बता रही हूँ कि जो मेरे से गलती हुई कि यहाँ पे मैं भूल गई थी शूट करना। तो ये सारा जो मसाला हमने इसको ठंडा कर लेना है, और एक हमने लेना है ग्राइंडिंग जार मिक्सी का, उसके अंदर इसको निकाल देंगे और वापस से पीस लेंगे। यहाँ पे पीस करके ये तैयार हो चुका है और इसको अभी हम कर देते हैं साइड। तो हमारे पास जो आलू का मसाला था उसकी हम बना लेंगे इस तरह से बॉल्स। तो हमने ये देखिए जो आलू का मसाला है सिंपल उसकी बॉल बना ली है। अभी मैंने 6 ही बनाई है तो बाकी के हम बाद में बना लेंगे। साथ में ही मैंने गैस ऑन करके तेल गर्म होने के लिए रख दिया था। अब हम ले रहे हैं 4-5 हरी मिर्च, और एकदम डायरेक्ट नहीं इसको डालेंगे, नहीं तो तेल में ये एकदम फट जाती हैं और तेल एकदम से बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है तो हमारे ऊपर छींटे आ जाते हैं। तो मैं इसको थोड़ा थोड़ा इस तरह से गर्म तेल में छन्नी में ही इसको फ्राई कर रही हूँ। इस चीज़ का खास ध्यान रखें, डायरेक्ट ना डालें, मिर्च एकदम से फट जाती है और सारा तेल जो है छींटे हमारे ऊपर आ जाते हैं, तो इस बात का खास ध्यान रखें। अब हमने जो बॉल्स बनाई थी उसको देखिए आप, इस तरह से जो हमने गाढ़ा एक घोल बनाया था बेसन का उसमें डिप करना है, और अच्छे से चारों साइड इसके ये मसाला जो है बेसन का लग जाए, और इस तरह कढ़ाई में इसको डीप फ्राई कर लेंगे। तो एक एक करके हमने सारे जो बॉल्स हैं उनको डिप करा, और ये लीजिए कढ़ाई में हमने डाल दिया।
तो कई बार हो जाता है, ऑनेस्टली बता देनी चाहिए अपनी गलती कि वहाँ पर मैंने बताया कि जैसे मूंगफली गिरी और तिल डालना मैं शूट करना भूल गई थी, तो वो चटनी में ज़रूर डालिए आप। तो यहाँ पर हम अच्छे से इसको फ्राई कर लेंगे, डीप फ्राई करना है। गैस को स्लो रखें, तेज ना रखें, ताकि अच्छे से अंदर तक ये सिक जाएं। तो देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं और बहुत ही अच्छे से ये बड़े जो हैं हमारे बन करके तैयार हुए हैं। बहुत अच्छा कलर आया। तो लीजिए यहाँ पर हमारे पास ये जो पोटैटो के बड़े हैं तैयार हो गए हैं, और ये चटनी हमने एक बाउल में निकाल ली। अब मैं ले रही हूँ पाव, ये मार्केट से हमने पाव बाय किए थे। आप चाहें तो किसी भी ब्रांड के आप ले सकते हैं, और फ्रेश लें हमेशा, सॉफ्ट हो, थोड़ा सा दबाकर देख लें और डेट जरूर देख लें उसकी, तो जब भी लें फ्रेश लें। तो इस तरह से हमने बीच में से कट करना है। आप चाहें तो हाथ से भी इसको ऐसे खोलेंगे तो आराम से खुल जाता है, ये तो मैंने नाइफ से इसको कट करा। अब हम इसमें रखेंगे जो हमने चटनी बनाई थी, उसको रखेंगे यहाँ पर। और आप चाहें तो इसमें ग्रीन चटनी का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं बनाई वो, मैं पूरी तरह से महाराष्ट्रीय स्टाइल में बना रही हूँ। वो इसी तरह से इस चटनी को बनाते हैं और वड़े के साथ रखते हैं पाव में। तो यहाँ पे रखेंगे जो फ्राई करी हुई हरी मिर्च थी उसको भी हम रख देंगे, और लीजिए यहाँ पर इसको ऊपर से थोड़ा सा प्रेस करेंगे और तैयार हो गया हमारा वड़ा पाव। सारे वड़ा पाव जो है हमारे इसी तरह से तैयार हो जाएंगे। लीजिए तैयार है वड़ा पाव। रेसिपी बनाना आसान है, मेहनत तो लगती है, लेकिन जब मेहनत हमारी सफल होती है और सब तारीफ करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और घर पर आप बिल्कुल ही हाइजीनिक तरीके से बनाते हैं, अच्छा तेल यूज़ करते हैं, अच्छी चीज़ें यूज़ करते हैं, तो वो नुकसान भी नहीं करती हैं। तो कोशिश करें घर में बनाएं और आप भी खाएं और फैमिली को भी खिलाएं। और कोई गेस्ट आ रहा है तो कोई नई ऐसे नई रेसिपी जब हम सर्व करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो लीजिए ये बन गई हमारे पास वड़ा पाव। आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ इसको एक बार ट्राई कीजिएगा, बहुत ही अच्छी रेसिपी है। आप इसको ब्रेकफास्ट में खा सकती हैं, टी टाइम में ले सकते हैं, जैसे आपका दिल करे आप वैसे इसको इंजॉय कीजिए। तो मिलती हूँ मैं न्यू रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। बहुत ही टेम्पटिंग है, देखने से ही लग रही है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था, रियली बहुत टेम्पटिंग है। और मैं अब करती हूँ एक बार इसको टेस्ट। तो ये लीजिए एक बाइट तो मैंने ले ली है, और साथ में हरी मिर्च इस तरह से खाएंगे छोटी छोटी बाइट लेकर, तो बहुत अच्छा लगेगा। बाय बाय।